उठा लो बेचारे का फोन। मुझे नहीं बात करनी। तो ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। इधर तो वो माइंड कर जाएगा। अरे वाह, बड़ी फिक्र है उसकी। हेलो। फोन उठाने में प्लीज देर मत किया करो, तुम्हें पता है ना जब तुम फोन नहीं उठाती हो तो मेरा दिल बैठने लगता है। देखो मैंने कहा है ना, अपने दिल को समझाओ। ओहो ठीक है ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हमारा प्लान तो फाइनल है ना। सुनो, मैंने बहुत मुश्किलों से अपनी फैमिली को यकीन दिलाया कि मैं शादी के लिए राजी हूँ। तुम्हारा नंबर भी मैंने फारिस के नाम से सेव किया है, तभी फोन अटेंड कर सकी हूँ। अगर कोई और फोन अटेंड कर लेता ना तो बहुत बड़ा मसला बन जाता। लेकिन तुम तो जानती हो ना, तुमसे मिले बगैर, तुमसे बात किए बगैर मुझसे सब्र नहीं होता। देखो करना पड़ेगा सब्र। अभी सब्र करेंगे ना फिर हम जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सकेंगे। स्वीटहार्ट, उसी वक्त का तो इंतजार है। अगर रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, सब्र करो और सब्र के मीठे फल का इंतजार करो। ओके बाय। क्या हो गया भाई, क्यों डराने वाली बातें कर रहा है? तेरा भाई कोई कच्चा काम नहीं करता। एक कच्चा काम तो कर दिया ना तुमने, अमेरिका वाली फरा को धोखा देकर। पुरानी किताबें क्यों खोल के बैठ गए हो भाई? वो तो मैं कब की पढ़कर बंद कर चुका हूँ। अब वो पुरानी किताब होगी यहाँ, इससे ज्यादा खतरनाक औरत नहीं मिली थी तुम्हें। अमेरिका से वो कितनी बार यहाँ पे आई है सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, और कितना पैसा खाया तुमने उसका याद है? और आखिरी बार तो तुमने हद कर दी, उसको निकाह के लिए बुलाकर और खुद गायब हो गए। ये कोई नई बात है क्या? और थोड़ा बहुत तड़पना तो उसका हक है, फिर खामोश हो जाएगी। याद नहीं है तुझे कितनी पावरफुल हो रहा था वो? पहली एंट्री उसकी भूल गया, गार्ड्स के साथ मारी थी उसने। और अब ये ना हो कि जिस तरह मेरे और कामरान के पास उल्टे सीधे फोन आ रहे ना, कहीं तुम्हें भी कोई मुसीबत ना पड़ जाए। मैं तो उसके सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, और तुम भी कर दो। और वैसे भी अननोन कॉल से मैं उठाता नहीं। सो मेरी जान, तुम भी चिल करो और मुझे भी चिल करने दो। हेलो फिजा डार्लिंग, अपने साथ हमें भी मरवाए। मुझे आप ये बताएं, वो समझते क्या अपने आप? परी है क्या है वो? औकात तो उसकी ये है कि बड़े होने के बावजूद छोटी बहन की शादी हो रही है, कोई रिश्ता नहीं देगा उसको, तरसेगी वो। अच्छा प्लीज ये बातें मत करो सिराज, रिश्तों की लाइनें लगी हुई उस लड़की के लिए, तो मैं तुम्हारी वजह से कोई रिश्ता लेके नहीं जाती उसके घर। बस मिसे चौधरी, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उन पर। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा भी था थोड़ा सब्र कर लो, बी अ लिटिल पेशेंट, क्या जरूरत थी उस बच्ची के साथ जाके उलझने की? मैं उलझा नहीं था उससे, बस थोड़ी तारीफ कर दी थी। जब उसको तुम्हारी तारीफें पसंद नहीं है तो क्या जरूरत थी उसकी तारीफ करने की? उस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करके तुम उसका दिल जीतना चाहते हो? रियली सॉरी टू से, लेकिन वो राबी नहीं है जो तुम्हारा मजाक बर्दाश्त कर लेती, बड़ी मजबूत किरदार की बच्ची है। हाँ हाँ पता है मुझे कितने मजबूत कैरेक्टर की, अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहेगी। अच्छा मेरे साथ फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती जो तुम लड़कियों के बारे में कर रहे हो। डोंट बी सिली, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करोगे तुम? मैं वो करूंगा जो वो सोच भी नहीं सकती। कल राबी की रुखसती हो जाए, आप चाचा से बात करें मेरे रिश्ते की। अच्छा चलो रिलैक्स, ठीक है काम दो, मैं करूंगी बात, जरूर करूंगी, ठीक है। लेकिन अभी मुझे जाना है, फारिस की मामा ने मुझे बुलाया है, उन्होंने मुझसे को बहुत जरूरी बात करनी, और प्लीज गुस्से में कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। बी अ गुड बॉय, ओके?